इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर की बलासिया थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर और फरार धोखेबाज को गिरफ्तार किया है जिसने मल्टी लेवल मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर दर्जनों लोगों को अपना शिकार बनाया और उन्हें करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि ये खतागार कुछ बड़े राज उगलेगा। इंदौर पुलिस की गिरफ्त में आया यह शख्स सचिन है जिसने पिछले कुछ सालों में एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी और इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक ऐसा जाल बुना कि उसके चंगुल में कई निवेशक फंसते चले गए। लालच देने में माहिर सचिन जब लोगों यानी निवेशकों को समय रहते रिटर्न नहीं दे पाया तो 20 से 22 पीड़ितों ने पिछले साल जनवरी में आरोपित के विरुद्ध पुलिस में शिकायत कर दी। अब वही आरोपित सचिन पुलिस गिरफ्त में आने के बाद रिमांड पर है जिससे पलासिया थाना पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रारंभिक पूछताछ में केवल 2 करोड़ का आंकड़ा सामने आया है लेकिन ये आंकड़ा जल्द बढ़ेगा। कई पीड़ित ऐसे हैं जो पुलिस तक पहुंचने की हिम्मत जुटा रहे हैं। दरअसल सचिन ने कॉन्सेच नाम की कंपनी बनाई थी। वो इसी कंपनी के नाम पर बड़ी बड़ी होटल्स में मीटिंग कर शिकार तलाशता था और निवेश करवा लेता था। देखिए, पलासिया थाने में पिछले साल जनवरी महीने में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था जिसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी के संबंध में करीबन 20-22 लोगों ने अलग अलग आवेदन दिए थे जिसमें एक सचिन डहाके हैं। इसके द्वारा कॉम्सिस नाम की कंपनी के माध्यम से धोखाधड़ी की गई थी। उस मामले में आरोपी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो हमारे पास में रिमांड पर है। उससे पूछताछ की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।